हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे राउरकेला में गांधी हॉस्पिटल पर करके एक मेला लगा हुआ है, जो कि है अंबागान का जो वंजा भवन वाला ग्राउंड है ना, वहाँ पे लगाया गया है। एंड बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बट यार मुझे आप लोगों के लिए ब्लॉग करना है तो मैं डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। ये कितना दिन रहेगा, क्या रहेगा मुझे पता नहीं है, बट मैं आप लोगों को डिटेल शेयर करूंगी, टिकट लगेगा क्या फिर नहीं। एंड मैं फाइनली पहुंच गई हूँ अंदर, जितना भी स्टॉल्स लगा मैं आप लोगों को मैसेज जितना हो पाएगा मैं डिटेल में दिखा दूंगी। सो गाइस, ये रहा उसका एंट्रेंस, लिखा है गांधी शिल्प बाजार। एंड ये ओपन होता है 11 से 9 बजे के बीच में। एंड ये कितना दिन तक रहेगा पता नहीं भाई ना, कितने दिन तक रही बेटा, कितने दिन तक रही वो, 21 तारीख तक रही वो। तो गाइस ये 21 तक के रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग एंटर करोगे तो ये लाइक बहुत बड़ा एरिया कवर हुआ है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। एंड बारिश भी हो रहा है तो देखते हैं। यहाँ पे भगवान जी का कुछ मिल रहा है, ओडिशा का उत्कली का लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ओडिशा का जो है ना कल्चर उसके रिलेटेड स्टफ मिल रहा है यहाँ पे। तो हेलो अंकल, कितने कौन प्राइस अच्छे गुड़ा भाई, कितने कौन प्राइस अच्छे साड़ी वगैरह ये सब? साड़ी ऊपर अच्छी कॉटन ऊपर 1000 नहीं करी। अच्छा, ओके। अब ये जो मूर्ति गुड़ा रखा है जी गुड़ा, कितने प्राइस? मूर्ति गुड़ा तो अच्छी गणेश, एटा ठीक काठ रो बनाई थी। अच्छा, तो अच्छी 2400 टका अच्छी, 4000 अच्छी। मैंने इनदी देखी की वैरायटी देखी की, अभी फोटो फ्रेम गुड़ा बहुत सुंदर है जी गुड़ा। कितने ताला पत्र बनाई थी? ताला, अच्छा ताला पत्र। ओके, तो गाइस ये वाला ना जो ताला को हिंदी रे कौन कौन मूवी जानने ताल पत्ता, तो गाइस वो ना उसका पत्ता में बनाया गया, जो की हमारा ओडिशा का कल्चर है। एंड ये भी जो हमारा ओडिशा का जो वेस्टर्न ढोकरा से बनाया हुआ है, ढोकरा कौन? पित्तल। ओके, तो गाइस ये सब बहुत ही प्यारे प्यारे स्टफ मिल रहा है, आप लोग होम डेकोरेशन के लिए ये सब ले सकते हैं। फिर जैसे इधर आएंगे तो यहाँ पे भी इयररिंग एंड ड्रेसेस वगैरह है बॉयज लोगों का। और फिर जब अगर आप नेक्स्ट स्टोर जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को विंटर के लिए सब कुछ मिल जाएगा। और फिर देखते हैं और आगे क्या क्या है एंड क्या क्या स्टॉल लगाया गया है, बस मैं बार बार से आप लोगों को दिखाती हूँ जितना वैसे पॉसिबल हो पाएगा। एंड यहाँ पे एक बैग का स्टॉल है, जो कि जूट्स के बैग है। तो मैम ये सब क्या प्राइस हो गया बैग सबका? 350-300 है ना, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है एंड बहुत प्रिटी डिज़ाइन है। ओनली 350-300 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर आप लोग ये देखेंगे भैया, ये कौन सा मटेरियल है? ड्रेस कपड़ा। हाँ, नहीं नहीं, कौन सा मटेरियल, कौन सा मतलब क्या बोलते हैं इसको? फुलकारी दुपट्टा। फुलकारी दुपट्टा, तो गाइस यहाँ पे ना ये जो पैटर्न आप लोग देख रहे हो इसको फुलकारी दुपट्टा बोलते हैं। एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, अभी पता चला। एंड यहाँ पे आप लोगों को सारे जो शंख जो पूरी में जो सब स्टफ मिलता है ना ये सब मिल जाएगा। अंकल ये कितने? 350 टका पूरा लंबा टा। गाइस ये देख लो, ये पूरा एक लॉन्ग पैटर्न में आप लोग घर में डेकोरेट कर सकते हो, ओनली 350 का, जो कि जगन्नाथ हांडीकला क्राफ्ट से लोग हैं। और फिर यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पे साड़ी वगैरह है, बट उस स्टॉल में कोई है नहीं। तो यहाँ पे हेलो अंकल, ये कौन सा मटेरियल है साड़ी का, मतलब कौन सा प्रिंट है? ये हैंडलूम की साड़ी आती है। हैंडलूम साड़ी है, यूपी हैंडलूम। यूपी हैंडलूम, ओके। क्या प्राइस आ जाएगा ये सब साड़ी का? यहाँ से 600 से लेकर 10,000 तक की। अच्छा, 600 से लेकर 10,000 तक के मिल जाएगा साड़ी। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को 6,000 से लेकर 10,000 तक के बनारसी, मतलब अलग अलग वेराइटीज है, शिफॉन है, पेपर क्रेप की साड़ी है। ओके, और क्या नाम चाइल्ड लूम में है। ठीक है, थैंक यू अंकल। वाला भी देख लीजिए। हाँ, अच्छा ये वाला भी आपका ही है क्या? ये टसर पे आएगा। टसर पे है ना? हाँ, ओके, ये टसर का दुपट्टा शायद है ना? नहीं, साड़ी है। अच्छा साड़ी है, ओके। हाँ ये बहुत ही प्यारा लग रहा है सर, टसर का। ये साड़ी है, टसर। हाँ ये वाला डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है। ये कौन कितना प्राइस आ जाएगा ये वाला? 3500 का आएगा। ओके, कोई डिस्काउंट नहीं है, फिक्स रेट आएगा, थोड़ा बहुत कम, थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा, राइट? ये देखिए, ये टसर पे आएगा, ये टसर। अच्छा, टसर एंड कॉटन, टसर एंड का मिक्स है। ये देखिए, ओके, चलिए थैंक यू अंकल। तो गाइस वहाँ पे साड़ी के स्टफ वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा प्योर सिल्वर, जो 92.5 का जो प्योर सिल्वर आते हैं, ठीक है ना, जो कि जनरली चांदी बॉन्डर वगैरह में मिलता है रेगुलर यूज़ के लिए। ये सब आप लोगों को इयररिंग मिल जाएगा, ये सब देख लीजिए। और फिर अगर नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे अगेन अंकल, ये फोटो फ्रेम गुड़ा जो गुड़ा कितने प्राइस पड़ना आसो? अलग अलग अलग, कितने स्टार्टिंग अच्छी? तो गाइस ये सब जो जो फोटो फ्रेम है ना, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे ओडिशा का कल्चर जो जगन्नाथ जी है, ये सब आप लोगों को 350 से, बाकी डिजाइन देके आप लोगों को आगे और प्राइस बता देंगे। अगर आप लोगों को लेना है तो डेफिनेटली आप लोग एक बार आके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बट मेरा डेडिकेशन देख रहे हो किडिंग। तो गाइस यहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा जो शंख का चीजें होता है ना, जो जनरली पूरी वगैरह में मिलता है, हम लोग जब पूरी जाते हैं तो ये सारा स्टफ भी यहाँ पे मिल रहा है। तो अंकल ये माली गुड़ा कितने प्राइस है गुड़ा सब? माली ये इतना सॉल कुड़ी है, 225। ये 100 टा 100 टू 250। ओके थैंक यू।
और गैस यहाँ पे भी आप लोगों को लेदर का बैग मिल जाएगा। तो ये पूछते हैं बैग सबका क्या प्राइस हुआ। तो भैया ये वाला बैग सबका क्या प्राइस हुआ? 1350। ओके, और ये सब ये लेदर का है क्या? ओके, प्योर। ओके, तो गैस ये जो ब्राउन वाला ना काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा लेदर बोल के। तो फिर उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कोम वगैरह मिल रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे सॉफ्ट टॉय वगैरह मिल रहा है, ये देख लो। तो हेलो, क्या मतलब वो मेरे को लैवेंडर वाला आप दिखाओगे? दैट वन, दिस वन। हाँ हाँ, क्या प्राइस आ जाएगा ये? ये आप खुद डिजाइन करते हैं? हाँ। आपका इंस्टाग्राम में भी स्टोर है? हाँ, इंस्टाग्राम पे स्टोर है। क्या स्टोर, क्या नाम? टॉय स्टोर है। ओके, क्या प्राइस आ जाएगा बोले ये सब? ये 150 है, बाकी अलग अलग प्राइस। मतलब डिजाइन देख के ना, अलग अलग ये मतलब ऐसे उल्टा भी होता है क्या? ओके, बहुत ही प्यारा है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये सारे यहाँ पे उडन के सारे स्टफ मिल रहा है, ठीक है ना? विश्वकर्मा हस्तशिल्प लाइक काठो लाखो काम, ये सब लकड़ी का है और लाखो का है। अंकल ये चंदन का, ठीक है? तो गाइस ये सब चंदन का जो लकड़ी है जो हम लोग टीका वगैरह लगाते हैं, ये हो गया पूरा। फिर अगर आप लोग इस तरफ आएंगे तो इधर लाइक बहुत कुछ लगा है आइटम्स, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। सो हेलो, क्या प्राइस हो गया ये सबका? अच्छा, मीडियम वाला 110 है, जो थोड़ा बड़ा है वही 160 है। ओके, ये सब खुद डिज़ाइन किया, हैंडमेड है सारा। ओके, सो प्रिटी, नाइस ऑफ यू। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को ये सब क्या है? एंकलेट पेंडेंट है ना? तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को पेंडेंट मिल जाएगा, ये सब रिंग मिल जाएगा। ओके, और ये आप रिंग मतलब लेटेस्ट की चेन है शायद ना? आर वाला नहीं है क्या मेरे नाम से? ये है गाइस, बहुत ही प्यारा है। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। तो गाइस ये देख लो, बहुत ही प्यारा लग रहा है, लैवेंडर कलर का। आर क्या प्राइस है इसका? 120। तो गाइस यहाँ पे काफी अफोर्डेबल, ये हैंडमेड, आप कैसे बनाए इसको? ड्राई क्ले। ओके, तो ये देख लो, बहुत ही प्यारे डिजाइन है, और ये सब रिंग भी है, और ये सब ऐसे पेपर वेट है क्या? फ्रिज मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेट। ओके, ये है पेपर वेट। ओके, ये आप सब कुछ कलर की हो? हाँ, क्ले में ही मैंने कलर किया है। अच्छा, ये क्ले में बन के फिर कलर हुआ है? नहीं नहीं नहीं, क्ले में ही मिलके ही कलर हुआ है। अच्छा, मैंने जब मैंने उसको किया था ना मिक्स, हाँ, तो क्ले में ही मैंने मिक्स कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस फिर अगर इधर आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुर्ते मिल जाएगा, ये देख लो, जो कि ओडिशा का कल्चर का जो संबलपुरी पैटर्न में है। यहाँ पे अगेन आप लोगों को बैग्स मिल जाएगा, बैग्स के सारे कलेक्शन हैं। फिर अगर हम लोग इधर देखते हैं तो यहाँ पे कैंडल्स के कलेक्शन मिल जाएंगे। तो ये देख लो, बहुत ही प्यारे प्यारे। हेलो, क्या प्राइस है ये सब कैंडल्स के? ये अलग अलग प्राइस है। तो गाइज यू नो ना हाउ मच आई लव कैंडल एंड लैवेंडर एंड सेंटेड चीज़ें, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं डेफिनेटली सोचूंगी लेने के लिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग कर देती हूँ। ये बहुत ही प्यारा क्रिसमस, ये आप खुद कार्व की हो, राइट? नहीं, ये मोल्ड में सेट करके। अच्छा, मोल्ड में सेट करके। तो गाइज ये ना जितने लोग डेंटिस्ट है एंड जो लोग मेरे बैचमेंट है, मेरे वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों को पता है हम लोग इसको कार्व भी कर सकते हैं, बट यहाँ इसका मोल्ड भी आता है। फिर आप क्या प्राइस आ जाएगा ये सब? अलग अलग है, जैसे ये आइसक्रीम स्कूप वाला 20 रुपीज है, और छोटा टी लाइट कैंडल्स भी रहता है, वो अभी खत्म हो गया। ओके, ये सब क्या, बाथिंग सोप है और कैंडल? हाँ, ये सब सोप है। अच्छा, सोप आइटम है। ओके, भी है और कैंडल भी है। ओके, थैंक यू सो मच। ये डोनट वाला है, राइट? डोनट वाला सोप है। तो ऐसे देखो, मतलब जितने लोग भी डोनट जिनको पसंद है, आप लोगों के लिए डेफिनेटली सो मस्ट चेक आउट दिस प्लेस, थैंक यू। एंड गाइस यहाँ पे भी मिल रहा है साड़ी एंड बेडशीट कपड़ा वगैरह मिल रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पे मिट्टी के दिया वगैरह है, क्ले के सामान मिल रहा है। तो दिवाली आ रहा है ऑलरेडी, तो डेफिनेटली मस्ट कम टू दिस प्लेस एंड चेक आउट प्लीज। दादाजी नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे? बढ़िया बढ़िया। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? हाल चाल सब कुछ बढ़िया। ये आप खुद बनाए हो? ये खुद बनाए हो? वो नीचे कारी करो। नीचे? अच्छा, अपने नीचे कारी करो। नीचे कारी करो। अरे अरे, वाह वाह वाह, मारो जाति लोग आ गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नीचे गड़ी छु, नीचे पुड़ी छु। बढ़िया, एटा केते रंगा? 30। बढ़िया लागछ, बढ़िया बनै छथि। आ एटा दिवाली पे आपन करो, बाकी दुकानटा कोठी लागे? भुवनेश्वर रे लागिस आ गया। अच्छा, मूर्तिका मूर्तिका। अच्छा अच्छा, बुझिली बुझिली। तो गाइस ये देख लो, कलर्स वगैरह है यहाँ पे आप लोगों को, बहुत ही प्यारे प्यारे लग, दिया के डिजाइन काफी प्यारा है, ये देख लो। मतलब आप होम डेकोरेशन के लिए मोसे कितने टंगा है गुड़ा? 30 गोटा को मैंने गुड़ा सब 30 टंगा। ना ना आ गया, ए पंचम को अलग है। अच्छा, एटा बड़ो? अच्छा अच्छा, हां एटा गोटे मुख छ, एटा चारि मुख, ठीक 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 कथा। तो गाइस यहां पे भी सारे ये सब दिया के स्टफ है, तो प्लीज चेक आउट एंड हेल्प हिम, बहुत ही अच्छे आदमी। एटा कोन माटी रे बनाई छ पूरा? एटा कोटा माटी रे आ गया। अच्छा, हो ठीक अच्छे, थैंक यू मोसा।
तो गाइज उसके बाद फिर अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे सारे लोग जो वहाँ पे देख लो विश्वकर्मा स्वयं शासित गोष्ठी मार्बल्स के सारे स्टफ़ आ जाएंगे यहाँ पे, कुछ कुछ क्ले के भी हैं। ये देख लो ये सब यूज़ होता है ना जो लोग मेडिकेशन वगैरह लेते हैं, ये सिबलिंग है, ये सारे स्टैचूज़ है। फिर अगर आप इधर आओगे तो ये सब वुडन के सारे यहाँ पे स्टफ़ मिल रहे हैं। और फिर अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे कीचेंस वगैरह। हेलो अंकल, ये सारे हैंडमेड है? ओके, ये बहुत प्यारे आपने डिज़ाइन किया। क्या प्राइस आ जाएगा ये? 150। तो गाइज ये देख लीजिए जो पर्स काफ़ी ट्रेंड में चला हुआ है ना अंकल, उसी का जस्ट कीचेन बनाया गया है 150 का, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ पे आप लोगों को उलन के ब्रेसलेट मिल जाएगा जो कि एविला वाला है। आई लव दिस ब्रेसलेट। क्या प्राइस है इसका? ये 50। 50 ओनली, ओके। और यहाँ पे आप लोगों को स्क्रंची रबर बैंड मिल जाएगा। ये इयर रिंग है उलन का, क्या प्राइस है ये सर? कॉटन थ्रेड है 100। अच्छा कॉटन थ्रेड है 100, ओके। अभी ये अंकल बना भी रहे, अंकल थोड़ा दिखा दो। हाँ ये देखो, ये खुद डिजाइन, ये लेटर्स वाला बना रहे हो क्या? लेटर्स। अच्छा ओके, सब लगा हुआ। हाँ ये लेटर्स का भी लगे हुए हैं ना। और इसके बाद गाइस अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे बनाया गया है ये जूट के बहुत प्यारे प्यारे लाइक बैग। ये देखो बैग, पानी बॉटल्स, यहाँ पे जूट के बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन है। ये आप लोगों को घर में रखने के लिए मैट मिल जाएगा, ये देख लो जो। और ये सब आंटी बैग गुड़ा कितने दाम? कितने दाम बैग गुड़ा? डेढ़ सौ तीस सौ दाम हो ना। हो सी जो मेकअप वाला बॉक्स रेडी के देखे ले, सिर्फ जो रखा है जी, देख लीजिए एक मेकअप का बॉक्स है जो कि बहुत ही बड़ा, एटा मैंने बॉक्स ऊपर एटा काम कर है बता नहीं। ये देख लो जी बहुत ही प्यारा है। क्या प्राइस कौन कितने दाम आज जीवो? 350। तो गैस ओनली 350 में आप लोगों को ये बहुत प्यारा सा बॉक्स भी मिल जाएगा जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। गैस यहाँ पे ड्रेसेस है, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे लाइक साइकिल्स वगैरह है, डिज़ाइन जो कि कीचेन साइकिल्स हैं। यहाँ पे ड्रेसेस मिल रहे हैं, अगेन यहाँ पे भी ड्रेस ही है। फिर अगर इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे ज्वेलरीज है। हेलो आंटी, ये सब आप डिज़ाइन की हो या फिर? हाँ, ना मेरा खुद का डिज़ाइन है, मैं okay. खुद बनाती हूँ। आप खुद बनाते हैं? सो नाइस ऑफ यू, बहुत क्रिएटिविटी आपके अंदर। ये सब गाइस बहुत ही प्यारा लाइक आप आई गेस बंगाली हो? हाँ, क्योंकि आपका क्राफ्ट से ही पता रहा है गाइस। आप हाँ, तो गाइस ये सब आप लाइक थोड़ा स्लीवलेस रेड एंड येलो कलर का झटक साड़ी पहन के लाइक इसको पहनोगे तो यू लुक सो प्रेटी, काफ़ी अच्छे कलेक्शन है। एंड ये ब्लैक मेटल के इयर रिंग है, जनरली मैं ये सब स्कूल टाइम पे यूज करती थी, बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन है। ये सब क्या प्राइस आ जाएंगे? क्या प्राइस आ जाएगा ये सब? ये 200 का है, ये 30 का है, ये 60 का है। अच्छा, रिंग है ये हमारा खुद का बनाया, खुद का डिजाइन किया इयर रिंग है। क्या प्राइस आ जाएगा सर? 100 का। सो थैंक यू आंटी। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा पूरा बैग्स की कलेक्शन है। मौसी नमस्कार। कितने कौन गोटा दाम केमती कौन? 100 टाइम कटू 50 टाइम। अच्छा कौट आस पूरी आस जगन्नाथ को टी आम जाना ना जनातु मजा करी। तो गाइस यहाँ पे देख लो ये आंटी जो है ना पूरी से आई है, बहुत ऑर्थेंटिक प्योर कलेक्शन है। इनफैक्ट वहाँ पे चांदुआ भी मिल रहा है अगर आप लोग। अरे 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 ये देख लो गाइस, आप लोग पूछते रहते ना मेरे हेयर कट कौन करता, दिस इज द लेडी। यहाँ पे भी एक स्टॉल है, यहाँ पे आप लोग को इयर रिंग ब्लाउज रेडीमेड ब्लाउज वगैरह मिल जाएगा, साड़ी वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ये होम डेकोरेशन का स्टफ जो कि आई गेस वुडन का है। एंड जो वो आंटी थी एक्चुअली वही मेरा हमेशा हेयर कट करते है जो आप लोग हमेशा पूछते रहते हो। एंड गाइस ये देख लो ये है बहुत ही प्यारे पे। हेलो, मतलब आपने पेंट किया है सर? ओ माय गॉड, लाइक सो क्रिएटिविटी, बहुत ही प्यारा लग रहा है जी सब। मतलब क्या प्राइस आ जाएगा? ये छोटे वाले का 600 है। 600 है, आप बाइंडिंग करके दोगे या फिर ऐसे ही? ये ऐसे भी आप ले सकते हो स्टैंड के साथ, ओके। और ऐसे अगर आपको हैंग करना है तो फिर उसके पीछे क्लिप लगा के, मतलब आपको जैसे अगर मैं कुछ कस्टमाइज करने के लिए बोलूँ कुछ पेंट करने के लिए तो यू कैन डू राइट। आपका इंस्टाग्राम में कोई पेज वगैरह है? अच्छा ओके, तो गाइस ये रहा उसका इंस्टाग्राम का पेज। तो आप लोगों को अगर कुछ कस्टमर ऑब्वियसली सबको करवाना रहता है, इट्स ए मच नीडेड थिंग गिफ्टिंग के लिए, घर में डेकोरेट करने के लिए, तो बहुत ही सुंदर वो पेंट करती है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट विथ हर। ये तो ओ माय गॉड माय फेवरेट स्टॉल चिकनकारी कुर्ती है। एंड यहाँ पे तो लैवेंडर ही लैवेंडर भरा पड़ा है, लाइक ये सेम कुर्ती आई हैव। तो हेलो मैम, क्या प्राइस आ जाएगा ये सब कुर्ती वगैरह का? फिर भी एक एवरेज प्राइस, मतलब ये जो चिकनकारी कुर्ती है 650-700 क्या है? 650 से स्टार्ट। ओके थैंक यू सो मच। एंड गाइस फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कॉटन के फ्रॉक वगैरह मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, एक मम्मा भी मुझे बार बार फ़ोन करके बुला रही है, बेटा जल्दी आ जल्दी आ। सो मुझे अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ब्लॉक करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे मथुरा केक मिल रहा है गाइस,
हाँ नहीं सॉरी, अपना राजस्थान राजस्थानी फूड आइटम स्टफ मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पे। लाइक फूड के सारे स्टॉफ जो फूड के अलग अलग डिफरेंस रहता है ना अलग अलग जगह के, यहाँ पे आप लोगों को पोत्रपोड़ा माछो और मांसो मिल जाएगा। आज ही है संक्रांति सोमवार, तो मैं टोटली नहीं खा सकती, नहीं ट्राई कर सकती हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को अगरबत्ती मिल जाएगा, अगरबत्ती का स्टॉल्स है यहाँ पे, चांदवा वगैरह मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे बैग्स के कलेक्शन है, और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा जो भी स्टेशनरी के स्टफ है। फिर अगर आप लोग इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑयल्स वगैरह मिल जाएगा। ये काफ़ी प्यारा सा स्टॉल है जो कि इसको क्या बोलते हैं, लकड़ी का है आई गेस, ये सब वुडन का ही है बनाया गया है, जो कि बहुत ही प्यारा प्यारा है। फिर यहाँ पे अचार है जो कि मेला में रहता है, और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, लाइक बहुत कुछ है। लाइक आप जैसे एंटर करोगे, मैं पूरा आप लोगों को उधर से घुमा के लाई हूँ इधर, बट बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा है, आप लोगों को लिटरली बारिश दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप लोगों को बैग्स मिल जाएगा, चांदवा मिल जाएगा, मतलब आज तो लाइक मुझे घर से बहुत गंदा डांट पड़ने वाली है, बट या आई हैव टू डू माई ब्लॉगिंग आप लोगों के लिए। सो एनीवेज मैं करके ही जाऊँगी। एंड गाइस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप लोगों को सारा मतलब स्टफ़ मिल जाएगा जो कि डेकोरेशन मतलब सॉरी डेकोरेशन के लिए बोल रही हूँ। काफ़ी प्यारे प्यारे ईयरिंग है, ज्वेलरीज है, डेली यूज़ के लिए मिल जाएगा। कभी मतलब जैसे आप लोग ये कभी मैचिंग में, ये जैसे ज्वेलरी देख लो, कभी ड्रेस में कभी साड़ी में आप लोग वेयर कर सकते हो। ये सारे वुडन के हैं, और फिर यहाँ पे भी अगेन ये सारे वुडन के स्टफ़ आप लोगों को मिल जाएगा जो कि सारे हैंडमेड स्टफ़ है। और फिर यहाँ पे भी आप लोगों को ड्रेस वगैरह मिल जाएगा, रुमाल है यहाँ पे संबलपुरी रुमाल वगैरह मिल जाएगा। और बस ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा दी। हाँ जी, हाँ ये क्या है, जूट का है, भागलपुर का है। अच्छा ओके, क्या प्राइस आ जाएगा ये वाला? ये तो था डिटेल अबाउट गांधी शिल्प मेला का ब्लॉग। एंड बहुत ज्यादा बारिश आ रहा है, लिटरली मैं पूरा भीग चुकी हूँ अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, बट जस्ट आप लोगों के लिए मुझे ब्लॉग करना था क्योंकि कुछ दिन में बंद हो जाएगा, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ। एंड बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टॉल अच्छे अच्छे मिल भी रहे हैं। इनफैक्ट मोस्टली यहाँ पे बैग का कलेक्शन है, ड्रेसेस का कलेक्शन है, तो डेफिनेटली आप लोग एक बार आके चेकआउट कर सकते हो। 21 तक के रहेगा, आई गेस 17 में वीडियो जल्दी आएगा। तो चलेगा आज के ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।